Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने मीडिया को बताया नहीं था क्योंकि मेरा दोनों बेबीज जो हैं वो घर नहीं आए थे, एक ही बेबी घर पे आया हुआ है। तो द सेकेंड बेबी इज़ गोना कम होम, तो फिर मैं हम भी प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे और फिर फोटोग्राफ भी भेजेंगे आप सब लोगों को। मैं भी आमंत्रित कीजिएगा। बिल्कुल, सब लोगों को, मीडिया को तो डेफिनेटली बुलाएंगे हम लोग और एक प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। वैसे आपके लिए तो डबल सेलिब्रेशन का मौका है, जावा कंपनी शुरू होने। हाँ, मैं उसी की रिहर्सल से आ रहा हूँ अभी और इंडिया बने का मन ख़त्म करना है, मुझे भागना है। अभी बगल में शूटिंग चल रही है तो मैं बहुत उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, एक्साइटमेंट भी है, बहुत घबराहट भी हो रही है क्योंकि नया कुछ कर रहे हैं, नई टीम है, नया परिवार है। तो जब नई फैमिली होती है तो ज़्यादा घबराहट होती है, तो अभी घबराहट बहुत हो रही है। हाँ सी, बहुत मुश्किल था। नहीं, मैं चाहता था कि एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हो व्हेन दे आर बॉर्न, बट द थिंग वाज के बेबीज वर नॉट होम, दैट्स द थिंग। मतलब दोनों घर आ जाएंगे ठीक से, इसमें तो फिर एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हो। अगर आफ्टर दे वर बॉर्न दो दिन बाद घर आ जाते तो फिर हम तभी बताते और प्रॉपर सेलिब्रेशन करते। तो अब जब दोनों साथ में होंगे तो सेलिब्रेशन करेंगे। रणबीर कपूर नहीं, अभी हम कर रहे हैं तो वो आने वाले हैं। और आज बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, मैं देख नहीं पाऊँगा। आरती आज परफॉर्म कर रही है गोल्ड अवार्ड्स में, मैं इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाला था लेकिन वही प्रॉब्लम, इंडिया बनेगा मंच बगल में सेट लगा है मेरा, अब स्टूडियो में आ गए हम लोग तो प्रोडक्शन मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ आरती के लिए आया, मैंने कहा चलो आप सब लोगों को, हम लोग हमेशा कम मिलते हैं, मैं या तो कश्मीरा के साथ होता हूँ और अब बच्चे भी हैं। हाँ, तो इसको मैंने बोला आरती आल मैं इसके लिए आ जाऊँगा आज, बट मैं परफॉर्मेंस नहीं देख पाऊँगा। इसमें कमाल का परफॉर्मेंस आज कर रही है आप, एंड शी नॉमिनेटेड ऑल्सो। अगर अवार्ड मिल गया तो फिर भाग कर आऊँगा मैं। हाँ, कपिल के शो में वो जब बुलाएंगे प्रमोशन के लिए, चक्कर है मेरे शो पे सब कब आते हैं, जब हम बुलाते हैं उनको, तो जब वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अभी पूरे गुलदस्ते की टक्कर है, कांटा तो अभी छोटा हो रह गया है, लेकिन मज़ा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टक्कर क्या, एक हम अलग चीज़ लेकर आ रहे हैं जेन्युइनली। हमेशा एक्टर कहते हैं हम अलग कुछ बना रहे हैं उसके बाद फिर वही लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस बार हम वाकई कुछ अलग कर रहे हैं। आप देखेंगे इट्स ए प्योर थिएटर फॉर्मेट है जिसमें सब एक्टर्स भी परफॉर्म करेंगे साथ में, तो इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट स्टाइल और लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जी, राइवलरी हट जाए, भगवान करे हट जाए, और हम साथ में कोई शो करें, ऐसी कोई कंपनी खोलें जिसमें हम दोनों साथ में ऐसा कोई शो करेंगे, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा दिन होगा वो भी। मैं हांगकॉन्ग में था और मुझे कोई 3,000 मैसेज हैं जो अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे सबके कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे हैं, जितने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, एक्टर्स हैं, वो सब खुश हैं और सब घर पे आना चाहते हैं। अब देखा, वही चक्कर था, मैं चाहता था दोनों घर पे हों बेबीज, तो घर पे सबको मैं बुलाऊं, तो अभी एक ही बेबी है घर पे, दूसरा जैसे ही आ जाएगा तो इट्स गोना बी अ बिग सेलिब्रेशन। फिर मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम भी बड़े अच्छे हमने रखे हैं।